तो चलिए गाइस हम लोग सबसे पहले बात करने वाले एलविस यादव के बारे में। तो आप लोगों को गाइस पता होगा कि कुछ टाइम पहले एलविस यादव ने अपने ब्लॉग वाले वीडियो में बोला था कि मैं यूके शिफ्ट होने वाला हूँ। अब ऐसा गाइस उन्होंने इसलिए बोला था, इसलिए अपने ऑडियंस से पूछा था, क्योंकि गाइस वहाँ पर उनको बहुत सारी चीजें अच्छी लग गई थी जो कि इंडिया से काफी ज्यादा डिफरेंट थी। बाकी यहाँ पर गाइस उन्होंने अपने आज वाले ब्लॉग वीडियो में इसके बारे में और भी बातें की और पाकिस्तान जाने को लेकर भी बातें की। तो क्या कहें आप लोग, सबसे पहले इस वीडियो क्लिप में देखिए। भाई देखो, मुझे नहीं पता मैंने आज तक कितने लोगों को अच्छी चीजें सिखाई या फिर बुरी चीजें सिखाई, बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर मान लो मैं कोई अच्छी चीज बोलूं तो वो तो सीखनी चाहिए। नहीं, अब जैसे मैं कहीं से, मैं यूके गया, वहां से मैं एक चीज सीख के आया। यहाँ पे हम लोग कभी कभी बेल्ट का क्या करते हैं, बेल्ट नहीं लगाते, पीछे से लगा ली या फिर नहीं लगाई, ऐसे मतलब कैजुअली लेते हैं। तो एक तो मैं चीज सीख के आया कि भाई एक तो बेल्ट लगाया करो, बड़ी जरूरी है। तो आप लोगों का गाइस इसके ऊपर क्या कुछ रिएक्शन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। तो चलिए गाइस अब एलविस यादव की बात हो ही गई तो बात कर लेते हैं कीर्ति मेहरा के बारे में। तो कीर्ति मेहरा ने गाइस अपने चैनल पर आज एक और चैलेंज वीडियो को अपलोड किया जो कि गाइस 15th of August स्पेशल वीडियो था। और इस वाले वीडियो में गाइस इनको पतंग उड़ाने का चैलेंज मिला था। बाकी इसके बारे में इन्होंने और भी क्या कुछ कही है आप लोग सबसे पहले इस वीडियो क्लिप में देखिए। अनदर चैलेंज, और ये जो चैलेंज है ये मेरे पास ऐसे ही एकदम रैंडमली आया था, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो, दो दिन पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें था कि 15 अगस्त आने वाला है तो आप पतंग उड़ाने का चैलेंज करो। मैं बचपन में उड़ी उड़ाई पतंग को नीचे लाना जानती हूँ, पर पतंग को ऊपर उड़ाना नहीं जानती हूँ। तो आज हम सब लोगों ने प्लान बना लिया एकदम से कि ऐसे पतंग उड़ाते हैं। ऑल्दो